हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीएनपी व्लॉग्स। आई एम पायल एंड मेरी यूट्यूब चैनल पे मैं अपना डेली रूटीन व्लॉग्स, होम डेकोर एंड ट्रैवल के वीडियो शेयर करती हूँ। तो अगर वीडियो पे आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मॉर्निंग में देखिए प्रहान स्कूल चला गया है और हम लोग कच्छ गए थे तो वहाँ से आ गए हैं। और उसके बाद प्रहान को भी आज जाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी और मैं जो जूनागढ़ से अपनी साड़ियाँ वगैरह लेके आई थी उसमें से एक साड़ी जो थी मैंने बहुत टाइम पहले पहनी थी और उसके बाद वॉश नहीं की थी, ऐसे ही रख दी थी। आज मैंने सोचा कि चलो अभी पहले साड़ी का काम ही निपटा देती हूँ क्योंकि अभी हल्की हल्की धूप आती है तो उसी में साड़ी है वो अच्छे से सूख जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सुबह ही उठ के पाउडर वाले पानी में साड़ी को भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए और बस यहाँ पे अभी इसको हल्का हल्का साबुन लगा के बस इसको वॉश कर दूँगी। एंड अभी तक मैंने अपना नाश्ता नहीं किया है, अब साड़ी को अच्छे से सुखा के उसके बाद अपना नाश्ता करूँगी, चाय पीऊँगी और उसके बाद जाऊँगी नहाने। तो कल शाम को ही मैं ये सारी सब्जियाँ लेके आई थी तो एज यूजुअल मैं जैसे ही सब्जियाँ लेके आती हूँ तो उन सबको धो के यहाँ पे मैंने सुखा दिया था तो अब सारी सब्जियाँ अच्छे से सूख गई हैं। तो बस अब इसके अंदर से निकालेंगे हम सारे जो भी हमें आज सब्जी बनानी है। तो कल मैं जो भी सब्जियां लेके आई थी तो आप पता ही है कि इस तरह से मैं सारी सब्जियों को रात को धो के सुखा देती हूँ और दूसरे दिन उसे अच्छे से डिब्बे में भर देती हूँ। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी कि वेजिटेबल्स को कैसे स्टोर करें, कैसे मील प्लान करें। तो मैं हफ्ते की सब्जियाँ एक साथ ही लेके आती हूँ और आज बनने वाली थी ग्वार की सब्ज़ी। तो एवरी टाइम गुजराती लोग जो ग्वार की सब्ज़ी बनाते हैं, मेरे हस्बैंड को वो इतनी पसंद नहीं आती, हालांकि मुझे पसंद है, बट आज मैंने सोचा कि मारवाड़ी स्टाइल में ये ग्वार की सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्वार को इस तरह से एकदम से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और साथ साथ में यहाँ पे मैंने प्रहान के लिए भिंडी रखी है जो कि प्रहान की एवरी डे का उसका फिक्स ही लंच है कि उसको भिंडी की सब्जी और रोटी चाहिए। तो बस इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे भिंडी काटूँगी अभी। पहले हमारी यहाँ पे ग्वार फली है उसको काट के रख दूँगी और वैसे मैं नॉर्मली सारी जो भी सब्जियाँ हैं उसको अच्छे से चॉप करके डिब्बे में भर के रखती हूँ और ताकि बस इस टाइम पर जैसे ही हमें लंच बनाना हो उस टाइम पे इतना हड़बड़ी ना हो। बट ये सारी सब्जियां मैं कल ही लाई थी तो बस आज मुझे इतना टाइम नहीं मिला है तो बस अभी लंच के बाद इन सारी सब्जियों को अच्छे से सेटल करूंगी। और यहाँ पे साड़ी थोड़ी सी अभी भीग रही थी तो मैंने सोचा कि नीचे पानी गिरेगा तो साड़ी को मैंने ऐसे ही रख दिया था। अभी साड़ी अच्छे से इसका जो पानी है वो निकल गया है तो अब यहाँ पे मैंने साड़ी को सुखा दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं पानी चढ़ा रही हूँ ग्वार फली को बॉईल करने के लिए। तो एक कप तपेली में मैंने पानी रख दिया है और मैं यहाँ पे पंखा बंद कर रही थी क्योंकि वरना गैस तो है वो तुरंत ही बंद हो जाती है और आजकल इतनी गर्मियाँ हो रही है और सर्दियों का मौसम आ गया है, अंधेरा जल्दी हो जाता है बट दिन में तो इतनी ही गर्मी लगती है जैसे कि अभी गर्मियों की सीज़न में जो इतनी गर्मी लगती है उस टाइप की ही गर्मी लगती है। और यहाँ पे जो मारवाड़ी स्टाइल सब्ज़ी मैं बनाती हूँ उसके अंदर देखिए मैं जो टमाटर है उसकी हमें ग्रेवी चाहिए तो ग्रेवी के लिए तो मिक्सचर निकालने की इन सारी चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से ग्रेवी टमाटर को थोड़ा सा कद्दूकस कर लीजिए और ये जो इसकी स्किन है वो अच्छे से निकल जाएगी। देखिए ये देसी वाले टमाटर आते हैं ना उसकी स्किन बहुत हार्ड होती है, वो अच्छे से पकती भी नहीं है और खाने का टेस्ट वो बिल्कुल ही ख़राब कर देती है। तो मैंने इस तरह से टमाटर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और लहसुन भी मेरा छीलने का बाकी है तो मैं एवरी टाइम 500 ग्राम जितना लहसुन लेके आती हूँ और तुरंत ही लहसुन को जब भी टाइम मिलता है तो छील के डिब्बा भर के रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। बट आज मुझे आजकल ट्रैवल मतलब कहीं ना कहीं जाने आना होता ही रहता था और थोड़ी तबीयत भी ये जन्माष्टमी के बाद सही नहीं रहती है, खांसी वगैरह है, वैसे तो थोड़ी सी अभी कम हो गई है बट फिर भी दोपहर की मेरी जो नींद है वो हो ही जाती है। पहले मैं दोपहर में नींद नहीं लेती थी, एक घंटा भी मैं आराम नहीं करती थी, कंटिन्यूस कुछ काम करती थी या फिर मोबाइल का जो भी काम होता है, मोबाइल देखने का काम होता है वो सब मैं निपटा देती थी। बट आजकल ना दोपहर में नींद भी करने लगी हूँ तो ये सारे काम है वो मेरे रह जाते हैं।
तो आज देखिए मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगा कि लहसुन छीलने में, फिर गवाल फली को चॉपिंग करने में, फिर मैंने साथ में भिंडी की चॉपिंग की। तो कुल मिला के ना ये सब अगर हम फ्री टाइम में जब ये सारा काम एक साथ निपटा लेते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो टाइम है वो भी यूटिलाइज हो जाता है। और अभी मेरा आधा घंटा तो इन सब चीज़ों में वेस्ट हो ही गया है। तो बस ये सारी छोटी छोटी जो टिप्स है वो मैं बहुत ही ध्यान में रखती हूँ और उसे हमेशा फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस अभी तो देखिए अभी तक इतनी बातें कर ली, फिर भी लहसुन ही छील रही हूँ और वो भी 7 से 8 कलियाँ ही मुझे अभी के लिए चाहिए। और साथ में प्याज भी रख दी है। तो फिर आइए फटाफट से अभी सबसे पहले ये सारा काम है वो निपटा देते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हो गया है मेरा प्याज का, मैंने चॉपिंग कर लिया। देखो कितनी प्याज है, ओनली 2 से 3 प्याज ही थी। और यहाँ पे मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में 3 टुकड़े अदरक के लिए है और साथ में 3 वाली हरी मिर्च ली है। ये मोटी वाली जो हरी मिर्च आती है वो ओनली कलर ही देती है, ये खाने में एकदम फीकी होती है। तो आप जितना भी डालो तीखा नहीं होगा। और साथ में 7 से 8 कलियाँ लहसुन की डाल दी है और बस इसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं डालना है और इसको ऐसे ही मिक्सर में हमें थोड़ा दरदरा पीस लेना है। और मैं एक चीज़ हमेशा फॉलो करती हूँ कि जैसे ही मेरे कुकिंग के टाइम पे जो भी यूटेंसिल्स इस तरह से मुझे लगते हैं, जो भी मुझे फिर ज़रूरत नहीं होती है, उनको मैं उसके जगह पे ही रखती जाती हूँ ताकि एक साथ मुझे फिर किचन साफ़ करने का बर्डन ना हो और सारी चीज़ें फिर ख़राब भी ना हो। यहाँ पे देखिए दरदरी जैसी पेस्ट रेडी हो गई है। बस यहाँ पे मैंने एक बड़े से भुगोने में घी गर्म करने के लिए रखा है। और मारवाड़ी सब्ज़ियाँ हैं वो ज़्यादातर घी में ही लोग बनाते हैं वहाँ पर, तो मैंने भी यहाँ पर घी का यूज़ किया है। और 3 बड़े चम्मच मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने साबुत जीरा डाला, थोड़ी सी हींग डाली है, उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाई थी वो डाली। और वो पेस्ट है ना उसमें अदरक लहसुन बहुत ही जल्दी जल जाते हैं, तो मैंने साथ में ही प्याज डाल दी है। और अच्छे से अब इसको हम भुनेंगे। प्याज थोड़ी सी कुक हो जाए उसके बाद यहाँ पे हमने जो टमाटर को कद्दूकस करके रखे थे वो हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये टमाटर और प्याज को अच्छे से पहले हम कुक करेंगे, एकदम से ये अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद ही हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। तो इसके साथ ही मैंने मसाले भी डाल दिए हैं। सबसे पहले डाल दिया है नमक। अब जब भी टमाटर डालें तो साथ साथ नमक डाल दीजिए ताकि टमाटर है वो जल्दी से कुक हो जाए। और उसके साथ मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर एंड धनिया जीरा पाउडर भी ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक मसाले में से घी सेपरेट नहीं हो जाता तब तक इस मसाले को हम ऐसे ही कुक होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला भी ड्राई होने लगा है और मसाले में से घी भी थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस टाइम पे यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। और मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच जितना दही। ये मैंने घर पर जमाया हुआ दही है और बिल्कुल खट्टा नहीं है, ये नॉर्मल खट्टा है और एकदम मलाईदार दही था, आपने देखा। अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से स्किप करके देखिए। और दही डालने के बाद दही को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद गवार फली जो बॉयल हमने की थी वो ऐड कर दीजिए। ये वाली जो गवार फली है उसको हमें 80% जितना कुक करना है और उसके बाद हमें इसको छान के निकाल देना है। तो मैंने उस टाइम पे मैंने पानी में नमक ऐड नहीं किया था, नॉर्मल ही इसे ही गवार फली को बॉईल कर लिया था। और बस यहाँ पे गवार डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर दीजिए ग्रेवी के अंदर, थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और उसके बाद गैस की फ्लेम ऑन कीजिए और अच्छे से उसे 10 से 15 मिनट के लिए ग्रेवी में कुक होने दीजिए। और बस ऊपर से हरा धनिया डालिए और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। तो देखिए ये गवार फली की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम डिफरेंट लगती है। और स्पेशली गुजराती लोग हैं उनको तो ये बहुत ही अलग लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम इस टाइप की सब्जियाँ नहीं बनाते। तो कभी कभी मैं या राजस्थान की याद आ जाती है तो इस टाइप की सब्जियाँ है वो बना लेती हूँ अपने लिए। तो देखिए यहाँ पे गवार फली की जो सब्जी है मैंने एकदम मारवाड़ी स्टाइल में बनाई है। और हम लोग पहले राजस्थान में रहते थे तो वहाँ पे इस टाइप की सब्जियाँ बहुत ही मिलती थी और वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे लोग ऐसी ही सब्जियाँ बनाते थे।
तो आज मैंने सोचा कि चलो उस टाइप की सब्जी बनाते हैं एंड उसके साथ वहाँ पे खाते हैं बाजरे का रोटला। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बाजरे का रोटला बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब चलिए यहाँ पे मैंने बाजरे का आटा ले लिया है और इसके अंदर डाल दूंगी नमक। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और आटे को अच्छे से मिक्स करते जाएं और ये जो बाजरी का रोटला बनाते हैं उसमें जो आटा होता है वो थोड़ा सा कड़क रखना होता है। मैंने बस जस्ट अभी नए नए सीखे हैं, कल भी बनाया था और आज भी बनाया है। ये जो आटा है वो मैं जूनागढ़ से लेके आई थी, मेरी सासू माँ ने दिया था पिसवा के, तो बहुत ही अच्छा आटा था। मतलब सब लोग कहते हैं कि बाजरी का जो रोटला होता है वो आटे के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उसका जो आटा होता है वो फ्रेश पिसवाया हुआ होना चाहिए, दूसरा कि जो बाजरा होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए वरना काले हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं। तो जैसे बिगिनर्स होते हैं उनके लिए तो ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि बाजरे के रोटले में आखिर प्रॉब्लम क्या है। आज तक मेरा वही प्रॉब्लम था कि मेरे से अच्छे क्यों नहीं बन रहे हैं, या तो फिर उसमें तिराड़े आ जाती थी या फिर जैसे ही मैं यहाँ पे जो तावड़ी है उसके अंदर मैं डालती थी तो तुरंत ही इसके अंदर हवा भर जाती थी, तो गुजराती में उसे भमरा बोलते हैं, तो बस भमरा ही हो जाता था। बट इस टाइम पे मेरा जो रोटला है वो परफेक्ट बना था। कल भी मैंने बनाया था, उसका मैंने वीडियो नहीं लिया था क्योंकि कल तो मैंने एकदम से ट्राई ही किया था और लकीली दो बहुत ही अच्छे बन गए थे। तो आज मैंने सोचा कि आज तो जैसा बनेगा ऐसा मैं वीडियो में डालूंगी और बिल्कुल वीडियो को मैं कट नहीं करूंगी। तो यहाँ पे देखिए बस इसी तरह से मैं करती गई जैसे मम्मी करती है, सासू माँ करती, उनको देख देख के मुझे सारे स्टेप्स पता थे। बट कभी कभी होता है ना कि हमको सब पता होता है बट हमारे हाथों की ही वो उसमें नहीं बैठ पाती है। तो यहाँ पे बस टेक्निकली धीरे धीरे समझ रही थी और पहले पहले मैंने दो छोटे छोटे ही बनाए थे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा अब तक तो बना है, मुझे बहुत पसंद आ रहा था और अंदर से मैं खुश भी हो रही थी कि नहीं नहीं चलो ये तो सही बनेगा ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एक बन गया था और ये साइज़ भी परफेक्ट है कि इतने छोटे छोटे मुझे आ जाए तो भी काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल आता नहीं है और खाने में मुझे अगर कोई डेली बाजरी का रोटला देना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी आने वाले भी विंटर है तो क्या है कि सर्दियों के सीज़न में रोटी से ज़्यादा मुझे ये रोटला बहुत पसंद है। तो बस अभी मैं रोज़े इसकी प्रैक्टिस करूँगी तो मुझे लगता है कि सर्दी आएगी ना तब तक तो मुझे बहुत ही अच्छे परफेक्ट रोटला बनाना आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये एक साइड मैंने फ्लिप कर दी है और एक साइड बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है, तो बस मन ही मन में वही खुश हो रही थी। यहाँ पे मैंने दूसरा रोटला भी बना दिया है, देखिए ये भी अच्छा बन गया है और बस अभी ये तो मैंने फटाफट से बना दिया, वो वाला अभी तक पूरा मैंने सीखा भी नहीं है, उससे पहले ही ये बन गया था। और देखिए वो दूसरा वाला है उसकी भी मैंने साइड चेंज कर दी है और अब देखती हूँ कि फूलेगा या नहीं। मुझे फूला फूला रोटला बहुत पसंद है, मेरा आज दोनों ही रोटले बहुत अच्छे बने थे और देखो कितना प्यारा ये फूल गया है। और बस अभी यहाँ पर डाल दूँगी दूसरा रोटला और प्रहन गया है वॉशरूम में तो अभी उसको नहला दूँगी वहाँ पे। तो चलिए बन गई है एकदम मारवाड़ी थाली। यहाँ पे देखिए ये है गवारफली की सब्जी, इसके ऊपर भी घी डाल के वहाँ पे लोग खाते हैं सर्दियों में। और यहाँ पे है ये हरी वाली जो ग्रीन पेपर आती है इसका अचार है, फिर ककड़ी, यहाँ पे गोल केले का अचार है और ये है बाजरे का रोटला और मेरा स्पेशल दही। तो ये है मेरा आज का लंच। तो लंच के बाद बस वही किचन का सारा काम है वो निपटा दिया है और प्रहन अभी अपने रूम में चला गया है क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए उसे सुला दूंगी। लंच के बाद किचन को क्लीन किया और बस यहाँ पे जो मैं ऑरेंज लेके आई थी ये 10 kg के आसपास ऑरेंज है, ये मैं 300 रुपये की एक साथ ही लेके आती हूँ और आजकल इसकी सीज़न है तो बस हम लोग इसका जूस है डेली पीते हैं और प्रहन को भी ये पसंद है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ को भी ये बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे ये ख़राब हो रखी थी तो मैंने सोचा कि फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ठंडी ठंडी ऑरेंज का जूस निकालेंगे।
तो उसमें आइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। आई होप कि आपको ये मारवाड़ी सब्ज़ी पसंद आई होगी, और आपने कभी अगर नहीं बनाई है तो इस टाइप से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। और मेरे रोटला कैसे बने थे ये कमेंट ज़रूर की करके मुझे बताइएगा। और मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगे थे, अच्छे बने भी थे, दिख भी अच्छे रहे थे। और बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। और अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग तक का मेरा अपना रूटीन जो है वो मैंने शेयर किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।